किसी के मोबाइल में हरे राम हरे कृष्ण का घंटी नहीं बजता। फोन उठाया, सबसे पहले क्या करते हैं, हेलो, ये क्या है, ये हेलो क्या है, आपको पता है। जब यहां तो बड़े साइंस के स्टूडेंट आए होंगे, आपको ज्ञान होगा, सबसे पहले एक व्यक्ति ने फोन बनाया, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने फोन का आविष्कार किया 1876 में। 10 मार्च को ये फोन शुरुआत हुआ, आविष्कार किया, सबसे पहले फोन का निर्माण हुआ है। अब क्या करें, ये कैसे बजेगा, कैसे सुनाई देगा, ये तो देखना पड़ेगा। तो ग्राहम बेल ने कहा अपने पत्नी को, तुम उस रूम में जा करके ये फोन चेक करना। एक फोन दूसरे रूम में रख दिया, एक फोन को अपने रूम में रखा, फिर उसे चार्ज में लगाया, फिर फोन लगाया तो उधर घंटी बजा, और पत्नी ने फोन उठाया, और ग्राहम बेल को लगा कि सबसे पहले फोन उठाया है, फोन लिया है, क्या बोलना क्या कहना पता नहीं, अब कुछ आता न जाता, चुनाव चिन्ह छाता, अब कुछ पता ही नहीं, अब क्या करें। फिर सबसे पहले फोन कान में लगाया, कहते हैं हेलो, पत्नी ने कहा जी। अब तब उन्होंने कहा कि हेलो 10 मार्च को 1876 कहा, और उसके बाद जितने भी लोग हुए सब कहने लगे हेलो। अब हेलो क्या है, ग्राहम बेल के पत्नी के नाम हेलो था, तो उन्होंने पत्नी को बुलाया, देखिए भाई आप बार बार फोन उठा करके किसी के पत्नी का नाम लोगे, यह सही बात है क्या। अब कोई फोन उठा करके आपकी पत्नी का नाम बार बार ले, अरे सरिता, फोन उठाए सरिता, गीता, सीता कहने लगे तो अच्छा लगेगा। अब कथा तो सुन लिए, आपको यहां से सीखना क्या है, हेलो को छोड़ दो, हेलो को लगा दो एक साइड। अगर आप घर से फोन आ जाता है आपके मोबाइल में, सास ने फोन लगाया, बहू मायके में है, बहुत दिन से गई है, और बहू को फोन लगाया था, आज तो मैं डांट लगा दूंगी बहू का, कब से मायके में बैठी है आई नहीं, फोन लगाया था डांटने के लिए, बहू ने फोन उठाया, माँ जी राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण माँ, ऐसा बोलने के बाद क्या माँ का मन होगा मैं डांट लगा दूं। आप राधे राधे बोलो फोन में, सबसे पहले फोन उठा करके संबोधन करने के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम ऐसा बोलना चाहिए। किसी के पत्नी के नाम को बार बार उच्चारण मत करो, प्यार से बोलो, अरे बोल दीजिए ना। और